आशुतोष, आज यहाँ एक मैं नई शुरुआत करने के इरादे से हूँ। आप आए हैं तो इस विषय को मैं उठा रहा हूँ। आजकल जैसा कि ज्योतिष प्रचलन में है जी, टीवी चैनल्स पे लो या और तरीके के बहुत सारे संस्थान खुले हुए हैं जो कोई हस्तरेखा को लेके, कोई टैरो कार्ड रीडर हो गया है, कोई आपकी जन्म पत्री के आधार पे, ऐसे आधारों पे सबकी घोषणाएं की जा रही है जी। लेकिन सभी आधार कहीं ना कहीं मुझे अर्थहीन मालूम होते हैं, क्योंकि अगर कोई मेथड है तो मेथड सब पे लागू एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं। बिल्कुल। तो मेरा यहाँ पे, क्योंकि आपका ये विषय है जी और आपकी गहरी समझ है इस विषय पे, तो मैं ये चाहूंगा कि थोड़ा सा ये क्लियर करो कि ज्योतिष आखिर है क्या। बिल्कुल। और अगर वो इस तरीके से है कि किसी राशि पे किसी हाथ को देख के एक ही तरीके की रेखाओं के कारण सब पे एक ही तरीके का सब प्रभावी होता है, तो इसका मतलब फिर इंसान का कोई वजूद ही नहीं। बिल्कुल। हम सब कहीं ना कहीं उन रेखाओं के और उन बनी बनाई व्यवस्थाओं के गुलाम हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि इस पे थोड़ा सा रोशनी डालो। क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बड़ा अच्छा आपने शशांक जी प्रश्न किया, और मैं ये देखता हूँ कि ऐसा नहीं कि आप ही का प्रश्न है जगत में, मुझे लगता है सभी का भीतरी उत्कंठा तो है, लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग लकीर के फकीर हो गए। उन्हें लगता है क्योंकि हमारी लोक वृत्ति क्या हमें सिखाती है कि कैसे तैसे लाभ हो जाए, बाप से कोई मतलब नहीं। इस वजह से हुआ क्या, बहुत सी शोषण की क्रियाएं शुरू हो गई, और इस शोषण की क्रियाओं को व्यापार बना करके हमारे को टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से भी परोसा गया। जैसे 12 राशियों पे बोल दिया जाता है कि ये आज का भविष्य है, 12 राशियां इस प्रकार का आज फल भोगेंगी या इस प्रकार का वो आचरण करें। जैसे जो मुझे बड़ा खटकता है, बोला जाता है कि आज अमुक राशि के जातक यात्रा ना करें, उनके लिए शुभ ना होगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि पूरे जगत में अगर हम कहें कि 600 करोड़ लोग हैं और उसका 12वां हिस्सा अगर मैं बात करूं, तो मान लीजिए 10-20 करोड़ आदमी अगर हिंदुस्तान में मैं लगाऊं तो क्या वो यात्रा ना करें? क्या ये संभव है? नहीं। लेकिन ऐसे भय डाल दिए जाते हैं, उन भय के कारण लोग विचित्र सी क्रियाएं करते हैं। मैंने देखा है लोगों को दिशा सूचक घड़ियां लेकर बैठते हैं, किसी से बात भी करनी है तो पहले दिशा देखते हैं फिर उसके अनुरूप बैठते हैं, और बात क्या करनी है वो तो द्वितीय स्तर की बात है, उसका रसीक हो गया ऐसी घड़ी अगर हम लेके घूमते रहेंगे। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि ज्योतिष जो है वो अपना वास्तविक स्वरूप जो है वो खो चुकी। जो हमारे शास्त्रों में निर्देश थे, जो हमारे शास्त्रों में हमारे पास ज्योतिष एक धरोहर के रूप में थी, और ये वास्तविक विज्ञान भी है, लेकिन ये अपना वास्तविक स्वरूप इसका बहुत धूमिल हो गया। वही स्वरूप जो है जानने के लिए मैं आपसे बात जी। अब मैं कुछ चीजें देखता हूं, जैसे आप ये मान के चलिए शशांक जी, थोड़ा थोड़ा हमें बेसिक कुछ नॉलेज हमें ले लेनी पड़ेगी, ताकि हम उससे जब हम अवगत होंगे तो हम ये प्रश्न चिन्ह हमारे भीतरी वेग उठेंगे कि ये प्रश्न है और हम इस और ना दौड़े, क्योंकि ये हल हुआ प्रश्न नहीं है। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, आप ये मान के चलिए जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, ये चार दिशाओं का नाम आकाश नहीं, इन चार दिशाओं का होते हुए भी आकाश से कोई संबंध नहीं। जैसे हमारे घड़ी कैलेंडरों का समय के साथ होते हुए भी कोई संबंध नहीं है, ऐसे ही हमारे भाग्य का, हमारे प्रारब्ध का होते हुए भी हमारी जन्म कुंडली से, हमारी हस्तरेखा से, हमारे टैरो कार्ड से, हमारे न्यूमरोलॉजी से होते हुए भी संबंध नहीं है, क्योंकि ये बहुत विराट और बेसिक की बात है। और जब हम क्या करते हैं, हम बहुत से ऐसे प्रपंच इस जगत में, प्रपंच मैं क्षमा चाहूंगा लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, बहुत से ऐसे प्रपंच इजाद हो गए हैं कि टैरो कार्ड आपके सामने रख दिए जाते हैं, उनको उठाकर बता दिया जाता है, ये पहले हमारे यहाँ चलता था, तोता आता था तो एक कार्ड निकाल देता था, ये सब क्रियाएं बड़ी चलती रही हैं और बड़ी प्रचलन में रही हैं। लेकिन मेन क्या है, मेन ये है कि लोभ वृत्ति कहती है जैसे तैसे फायदा हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं। इसके आधार पर बहुत शोषण हो रहा है ज्योतिष के नाम पर, कि ज्योतिष उसका नाम दिया गया और वो सिवाय शोषण के और कुछ भी नहीं है। मैं आपको अपनी अनुभूति कहता हूं, फिर ज्योतिष पे हम खुलासा करेंगे। मैंने
बहुत से टीवी चैनलों पे कि मैं गया, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, उनकी ईमेल्स भी मेरे पास आई कि आप पंडित जी बहुत प्रभावी हैं और आपका व्यक्तित्व हमें अच्छा लगा, आपकी भाषा शैली अच्छी है, तो आपको हम एक घंटा अपने चैनल पर दे देंगे। लेकिन उसके हमारे खर्चे हैं, मैंने कहा वो भी लाजमी है खर्चे। आप एक तो 12 राशियों पर बोलिए, मैंने ये मैं नहीं बोलूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं कभी कुछ नयापन आप लेके आए, नयापन लोगों को दें, वास्तविक ज्योतिष क्या है उस पर अगर आप मुझे कहें तो मैं बोलूंगा, 12 राशियों के तो मैं खिलाफ बोलने वाला हूँ। उन्होंने कहा नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, आप 12 राशियों पे बोलिए, लोग सुबह सुबह तैयार होने, जब दफ्तर के लिए तैयार होते हैं तो टाई वाई कसते हुए जरा इस तरह के अपना भविष्य सुनते सुनते निकल जाते हैं, एक वाक्य का भविष्य सुन लेते हैं, आज का ये टिप है, टिप ऑफ द डे। तो ये जो चीजें चलती हैं, उसके बाद मैं उनसे जब बोला तो नहीं राजी हुए। उन्होंने मुझसे कहा कि आप अगर हमारे चैनल पे आते हैं, कहीं से तो बहुत नजदीकी भी बन गई कि कल से आप हमारे यहाँ आइए, चलिए हमें आपकी शर्तें मंजूर है, लेकिन उनकी शर्तें और भी थी कि जरा वस्त्र ऐसे नहीं चलेंगे आपके, साधारण वस्त्र नहीं चलेंगे, कुछ माला बड़ी होनी चाहिए रुद्राक्ष की, कुछ तिलक विलक बड़े हों, कुछ चोटी वोटी भी कुछ करिए पंडित जी, चोटी तो जल्दी जल्दी क्या हो गई, बाली कटा लो। ये वास्तविकता मैं आपको बतला रहा हूँ, ये मेरे साथ हुआ, मैंने बड़े खेल का बात है भाई, मैं नहीं कर सकता। और वाकई मैं मानता हूं कि उन्होंने जो मुझे कहा कि टीवी पे ऐसा होना चाहिए, ये सत्य है। कारण उन्होंने कहा कि अगर आपकी वेशभूषा प्रभावी है तो आप वैसे ही बाजार में चक्कर काटने चले जाइए, 10 आदमी पंडित जी करके प्रणाम कर देंगे चाहे आपको जानते भी ना। टीवी पे आकर्षण का खेल है, आकर्षण का खेल है। तो मैं मुझे लगा कि मैं अगर एक वास्तविक विधा को कहना चाहूंगा तो मैं उसमें अपने किसी प्यारे का शोषण करके तो नहीं कहूंगा। वास्तविक ज्योतिष अगर कहनी है तो मैं अपनी आत्मा को नहीं रोक सकता उसके लिए। लेकिन चलिए ऐसा रहा, ये बड़े खेद का विषय, मैं इस बीच में कहे बिना रह नहीं सका। अब ज्योतिष की जब हम बात करते हैं, मैंने कहा कि जिस तरह घड़ी कैलेंडरों का जो समय के साथ होते हुए संबंध नहीं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का होते हुए भी आकाश के साथ संबंध नहीं, ठीक है जी, और हमारी हस्त रेखाओं का होते हुए भाग्य के साथ संबंध नहीं, अगर किसी के हाथ कटे हैं शशांक जी, क्या उसके पास भाग्य नहीं है? उसके पास रेखाएं नहीं है पर भाग्य तो उसके पास भी है। तो कहने का भाव, हमें बहुत सी चीजों के बाद सोचना पड़ेगा। अब लोग न्यूमरोलॉजी कहते हैं, मैं कहता हूं मैथमेटिक्स जब ईजाद हुआ है, भाग्य तो प्रारंभ तो उससे बहुत विराट है, बहुत बड़ा है और बहुत पहले का। तो बहुत सी बातें प्रश्न चिन्ह अंकित करती हैं, जो वास्तविक ज्योतिष की ओर मैं संकेत दे पाऊंगा यथा योग्य उसको देने का मैं प्रयास करूंगा। वो क्या प्रयास है शशांक जी, पहली बात हम भीतरी प्रज्ञा की पहले बात करें। शास्त्रों ने इसका बहुत अच्छे तरीके से खुलासा किया, भगवान कृष्ण ने 3 अध्याय में अर्जुन से बोला है, वो ज्योतिष की ओर बहुत सटीक संकेत है, उसको मैं एक बार थोड़ा आपसे खुलासा करता हूं, कुछ वो भी आपको इंगित करेगा। जैसे हम कहते हैं, भगवान कृष्ण ने क्या कहा पहले मैं आपसे वो कह देता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन तुम देवताओं को उन्नत करो, देवता तुम्हें उन्नत करेंगे, इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को उन्नत करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। अब ये समझने जैसा, जिस प्रकार पानी पर काई उग जाती है, इस प्रकार ही हम ग्रह नक्षत्रों की भीतरी जो क्रियाएं हैं, हम जैसे पानी उगी है ना, पानी पर काई उग गई है, ऐसे ही हम इस धरा पर उग गए हैं काई के तरह। और हम में जो भीतरी प्रभाव है, हम में जो बाहरी प्रभाव है, वो बिल्कुल भी अछूते नहीं हैं ग्रह नक्षत्रों की क्रियाओं से, ठीक है। अब होता क्या है, कोई ग्रह बदलता है तो हम ये कहें कि हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगी, वो आएगी, क्योंकि हम बने ही उससे हैं, हम भीतर से बाहर से हम बने ही उससे हैं। वो तो पदार्थ का पदार्थ के प्रति आकर्षण जी, जैसे हम कहते हैं सूर्य से विभाजित होकर सभी ग्रह क्रियान्वित हुए और पृथ्वी भी उनमें से ही एक है, और इसी धरा पर हम जो है काइनुमा उग गए हैं, तो हम इनसे कैसे परे हो सकते हैं। जैसे कोई आदमी मुझे बोलता है, कई लोगों ने कहा कि आज चांद बड़ा सुंदर है, आज सूर्य जो तेज वाला है, तो लोग ये बातें करते हैं, ये महज लुभावने दृश्य नहीं है, ये हमारे स्रोत हैं, ये हैं तो हम हैं, और ये इनकी क्रियाओं पे हमारी भीतरी बाहरी सारी क्रियाएं पूर्णतः आश्रित है।
पूर्णतः अशेष रूप से आश्रित है। लेकिन आशुतोष यहाँ पे एक छोटी सी बात ये है जी कि आपके अनुसार जी एक ज्योतिष का जी उसके पास जो अपनी जिज्ञासा लेके आ रहा है जी उसके प्रति क्या फर्ज होता है? एक ज्योतिष आप सच्चे ज्योतिष की बात करते हैं, मैं कहता हूँ आपके पास कोई व्यक्ति आता है जी तो आप उसको क्या सबसे पहले सजेस्ट करेंगे या आपका क्या ढंग रहेगा, आप किस तरीके से उसे गाइड करेंगे वो बताएं थोड़ा सा। देखिए मेरे पास कोई आदमी आता है, मैं 15 सालों से ज्योतिष कर ही रहा हूँ, लोग आते हैं, मैं उनसे पहले तो जन्मतिथि भी लेता हूँ और कोई अगर शारीरिक रूप से मेरे सामने नहीं है, जैसे कोई माँ आ गई कि मेरा बेटा विदेश में रहता है, पंडित जी इसके बारे में बताओ, तो उसके लिए कहा जाता है कि आप इसकी कोई फोटोग्राफ ले आइए जो 6 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो, ठीक है? तो एक तो ये चीज, और दूसरा जब हम उनसे जन्मतिथि पूछते हैं, आप कहेंगे जन्मतिथि क्यों पूछते हैं, तो उसका भी एक कारण है, क्योंकि जन्मतिथि जो है वो हमारा बेसिक जो हमारा स्वभाव है पहले उसकी कुछ हमारे आगे खुलासा हो जाता है। फिर रहा 70% ज्योतिष, 70% जो ज्योतिष बचता है जो फोरकास्ट करता है वो किस आधार पे है शशांक जी? वो इस आधार पे है, जैसे जिसके लिए सिद्धांत है, बड़ा स्पष्ट सा सिद्धांत है, माध्यम क्या है, तरंगों का माध्यम क्या है, तरंगों का माध्यम है आकाश, और ये आकाश कहीं से विभाजित नहीं है, इसीलिए हम आजकल टेलीफोन पे वार्ता करते हैं, लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, क्योंकि इसकी वाहकता का माध्यम आकाश है और आकाश कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं है। इसी प्रकार आपका मेरा भीतरी आकाश एक है। तो कहने का भाव, जब हम किसी से कोई बात लेते हैं, इसीलिए मेरे जो कार्यालय है उसका नाम है ध्यान योग एस्ट्रोलॉजी सेंटर, तो मैं जो एस्ट्रोलॉजी करता हूं वो ध्यान योग पर आश्रित है, जो भगवान कृष्ण ने भी इसका खुलासा किया है। तो मैं जो बात आपसे कर रहा हूं, जब देवताओं का वर्धन, देवता क्या है, शुक्र बृहस्पति शनि ये सब क्या है, ये देवतागण है, इनका काम, इनको देवता की संज्ञा क्यों दी जाती है, क्योंकि जीव के दृष्टांत से हम देखेंगे तो ये जीव के दृष्टांत से देने वाले हैं, डोनर, यूनिवर्सल डोनर, ये देते हैं। तो कहने का भाव, ये हमें देते हैं, और जब हम भीतरी प्रज्ञा से बाहरी संभावनाओं से फलने फूलने लगते हैं तो क्या हो रहा है, हम नहीं फल फूल रहे, हमारे माध्यम से वास्तविक वर्धन देवताओं का है। जैसे मैं आपको इसका थोड़ा सा और खुलासा करता हूं, हम कहते हैं वृक्ष में एक फूल बड़ा हो रहा है, हम कहेंगे वृक्ष में फूल बड़ा हो रहा है, यह अधूरा दृष्टांत है। पूर्ण दृष्टांत यह है कि वृक्ष के माध्यम से, जो वृक्ष के अंदर संभावना है, पुष्प के माध्यम से वो पूर्ण विकसित हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपका जो ये ज्योतिष का जो नजरिया अभी तक समझा है जी, वो ऐसा है कि कहीं ना कहीं आप अध्यात्म की तरफ ले जाने की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करते हैं। बिल्कुल, है ना? क्योंकि अभी तक ज्योतिष ये रहा है कि पहले वो समस्या बताता है जी, फिर वो कहता है हम आपका समाधान करेंगे, यही उसके धंधे की प्रक्रिया है। नहीं, आपकी प्रक्रिया यह है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ जब तुम करोगे बिल्कुल तो सभी आशीष तुम पे बरसेंगे। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अब जैसे मैं थोड़ी देर की एक बात कहूंगा, और वो बात इसलिए कहूंगा क्योंकि आप अभी बैठे हैं जी, आपके गले में मैं देख रहा हूँ रुद्राक्ष पड़ा है जी। बिल्कुल, कई चीजों का आपने इनकार किया जी, तो इसका आप क्या प्रभाव मानते हैं? इनका प्रभाव है, है ना जी, इसका प्रभाव है, है, बिल्कुल है। ठीक, इसके लिए मैं आपको बता थोड़ा सा खुलासा करता हूँ। देखिए ऐसा है, हम जो है गीता के 15वें अध्याय अनुसार, और वैसे भी अगर हम एक सादी भाषा में भी बात करें, मनुष्य के लिए या जीव मात्र के लिए जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि यह एक उल्टा वृक्ष है, उल्टा वृक्ष है, इसकी जड़ें सनातन अज्ञात में स्थापित है। जैसे वृक्ष जो है जड़ों से पोषकता लेता है, ठीक है, और वर्धन को उपलब्ध होता है। हम भी इस गलती में ना रहे कि हमें अपनी जड़ें नंगी आंखों से नहीं दिखती तो हम ये ना सोचे कि हम कनेक्टेड नहीं है, हमारी जड़ें नहीं है, हमारी जड़ें हैं, और ये जड़ें जीवन रूपी रस और हमारे जो जीवन निर्वाह के माध्यम है ये सब रसों रस चूसती हैं और हमें आगे क्रियान्वित करती हैं। होता क्या है शशांक जी, जो ग्रह नक्षत्र है इनका हम पर एक प्रभाव है, और जब हम जन्म लेते हैं, जैसे
हमारा जन्म हुआ, जन्म तिथि हमारी फला है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ कि मैं आते ही पूछता हूँ जाकर से कि आपकी जन्म तिथि बताइए। तो कहने का भाव, जो हमारा जन्म का क्षण है उस समय क्या होता है, बहुत से ग्रह आपने शब्द सुने होंगे, बड़े प्रचलित शब्द है, इनका अर्थ खुल जाएगा। जैसे ही कहा जाता है इनका बुध नीच का है, इनका शुक्र ऊंच का है, इनका गुरु प्रभावी है, इनका क्या अर्थ है? इनका अर्थ ये है कि जब ये जातक जन्म इसका हुआ उस समय ग्रह नक्षत्रों की जो विशिष्ट स्थिति थी उस समय इस जातक के पास बुध की अल्पता थी, बुध ग्रह से आने वाली फ्रीक्वेंसी की अल्पता थी, न्यूनता थी। तो वो जो अंश उसके अंदर दब के रह गया। तो लेकिन उस वक्त तो बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, एक ही अस्पताल में एक ही टाइम पे कई बच्चे पैदा होते हैं, बिल्कुल उनकी जगह भी नहीं चेंज होती, बिल्कुल। तो क्या सब पे एक ही सा प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए ऐसा है, पहले मैं आपकी एक इसको समापन कर दूं, फिर मैं आपके प्रश्न को फिर लेता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि इसका गुरु नीच का है, तो होता क्या है, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, जैसे मैंने कहा हम एक उल्टा वृक्ष है, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है उसमें किसी की अल्पता का हो जाना, उसको उठाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको उठाने के लिए हम लिविंग स्टोन्स का कई दफा सहायता लेते हैं जो हमारे राशि रत्न है, ठीक है जी। प्लस हम कुछ ऐसे उपाय या हम ऐसी कुछ पूजा पाठ विधान हम करते हैं जिसका हमारे शास्त्रों में बड़े अच्छे तरीके से खुलासा है। जब हम वो करते हैं तो हमारी जो न्यूनता हमारे पास है जातक की, वो कुछ उभरने लगती है। जब वो थोड़ी बलवती होती है, वो कुछ भार लेती है, तो जातक जो है सामर्थ्य से अधिक, जिसे कहते हैं सामर्थ्य जो उसके पास था जन्मजात, उससे अधिक बल वो महसूस करता है, बूस्ट करने के लिए उसकी सहायता हम ले सकते हैं। ये एक नियम चलता है, इसलिए बहुत से विधि विधान है, पूजा पाठ है, राशि रत्न है, या हम और भी ऐसी कुछ क्रियाकलाप चलते हैं, उनका खुलासा मैं अभी इतने छोटे से प्रोग्राम में तो नहीं विस्तार पूर्वक कर पाऊंगा। आपने कहा कि क्या वो सबके साथ है, तो मैं कहूंगा ज्योतिष बहुत निजी है, ये भेड़ों को हांकने का काम नहीं है। जो हम कहते हैं 12 राशियां, 12 राशियों पे जब हम बात करते हैं, 12 राशियां बताती हैं जैसे भेड़े हांकी जा रही हैं, एक ही डंडे सबको हांक दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हर एक की जो निजता है उसकी ओर हमें जाना होगा, उसी के लिए आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है, मैं उस पर आने ही वाला था, बहुत अच्छा किया आपने उसको छेड़ दिया। हम बात करते हैं जन्म तिथि की, जबकि जन्म का क्षण उससे 9 माह पूर्व का है, और जन्म का जो क्षण है उसे जानने का, उसे प्राप्त करने का और कोई माध्यम नहीं है सिवाय ध्यानस्थ होने के, या जो मैं कह रहा हूं भीतरी ज्ञान से, भीतरी आकाश की कनेक्टिविटी से और भीतरी प्रज्ञा से ही कोई इसे जान पाएगा। पहले ये विधा हमारे ऋषियों के पास हुआ करती थी, क्योंकि वो समाज में अपना सांसारिक जीवन ना जीते हुए अध्यात्म की ओर जाने वाले लोग थे। तो हमारा ऋषि क्या था, हमारा ऋषि जोशी भी था, हमारा ऋषि चिकित्सक भी था, हमारा ऋषि आध्यात्मिक भी था, हमारा ऋषि आप ये कह के चलिए कंप्लीट मैन, एक कंप्लीट आदमी। इसलिए राजा उनको बुलाया करते थे, उनसे इवन राजपाट कैसे चलाना है इसकी तक शिक्षा लिया करते थे। तो कहने का भाव, हमारे ऋषियों के पास जो ये विधा थी, अब क्या होने लगा कि जागृति तो नहीं है, आप कोर्स कर लीजिए, दिल्ली में बहुत सुविधा है, आप कोर्स कर लीजिए ज्योतिष का, मेरे पास लोग आते हैं, वो मुझसे जुड़े और उन्होंने आके मुझसे क्या प्रश्न किए, शशांक जी मैं क्या बताऊं, उन्होंने बोला पंडित जी मुझे ये बताइए मैं जोशी कब बनूंगा, अगर मेरे भाग्य में जोशी बनना नहीं लिखा तो बता दीजिए मैं इस तरह के एफर्ट ही ना करूं। बड़ी निराशा होती है ऐसी बातें सुन के। कुछ लड़कियां हैं बड़ी आजकल के धर्रे की, वो आ जाती हैं बड़े चुलबुले अंदाज में पूछने, पंडित जी टेल मी कि मैं कब टैरो कार्ड रीडर बनने वाली हूँ। तो भैया उन्हें टेल मी को बताया जाता है कि भाई तुम कब बनने वाले हो, बनना बनाना कुछ नहीं, और क्या उससे लोग लाभ ले जाएंगे और क्या हो जाएगा, वो एक और शोषण का हिस्सा चल पड़ेगा। इन टोटल मैं आपकी बात जहां तक समझा
जी आपके जो कहने को मैं शायद थोड़ा और अच्छा शब्द देने की कोशिश कर रहा हूँ, जी भाव से मैं आपके पहले परिचित हूँ जी, आज हम यहाँ बैठे हैं मैं भी जानता हूँ आधे घंटे में हम लोगों की जितनी मुलाकात है उस सबका वर्णन नहीं किया जा सकता बिल्कुल, लेकिन इन टोटल बात मुझे ये समझ में आ रही है कि जिस प्रकार एक मूर्तिकार एक पत्थर में देख के समझ जाता है कि इसमें से किस प्रकार की मूर्ति निकल सकती है जी, उसी प्रकार एक ज्योतिष आने वाले जिज्ञासु को देख के समझ सकता है कि इसकी वास्तविक जिज्ञासा क्या है, क्या है। ये कोई गणित पे काम नहीं करता, नहीं करता, ये आपकी उस वक्त की दृष्टि पे काम करती है बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि ये बहुत निजी मामला हुआ, ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि इसको एक आंखें बंद करके चलाया जा सके, नहीं। तो फिर ये बात तो यहाँ पे एक और उठती है जी, कि फिर आप जिस तरीके की ज्योतिष की बात कर रहे हो जी, वो ज्योतिष तो जन्म जात ही किसी को आएगा, ना कि सिखाया जा सकता है, सिखाया नहीं जा सकता, सिखाया नहीं जा सकता नहीं। तो आपके हिसाब से आपका ज्योतिष जो है वो जन्म जात वाला ज्योतिष है? देखिए ये भी नहीं कहूंगा कि असंभव है सिखाना, लेकिन कहूंगा नहीं, यहाँ पे मेरा प्रश्न ये है कि आपने क्या सीखा था नहीं, या आपको जन्मजात मिला? देखिए मुझे जन्मजात मिला, ओके। मेरे पिताजी जॉब में रहे, उससे पहले हम अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ज्योतिष में ही रही। ज्योतिष क्या है, अगर मैं एक उदाहरण मुझे याद आता है वो ज्योतिष को और खुलासा करेगा। ज्योतिष जो है शशांक जी, एक तर्क के ढंग से काम नहीं करता, और एक अनुवांशिक गुण वाली बात, और ये तर्क इसके अंदर भयंकर तर्क भी है, ये बड़ी विरोधाभास की बात है। जैसे कोई आदमी कहेगा जब भविष्यवाणी की जाएगी पूर्ण ज्ञानस्थ होके, पूर्ण कनेक्टिंग आप कनेक्ट हो गए, आप उसके बाद जो भविष्यवाणी करेंगे वो अटल होगी, वो फिर हिलेगी नहीं। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, बात को समझ जाएंगे। भगवान महावीर के जीवन काल में एक उदाहरण आता है, वो अपने शिष्य के साथ चल रहे थे, तो उनके शिष्य ने कहा, एक छोटा सा पौधा था, उन्होंने कहा कि क्या ये वृक्ष बनेगा। भगवान महावीर ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की, उस और पौधे को देखकर आंखें बंद की और देखा, उन्होंने कहा हाँ ये फलदार वृक्ष बनेगा। उनके चेले ने उस पौधे को उखाड़ा, हवा में घुमाया और फेंक के मारा, और ठहाका मार के हंस दिया। भगवान महावीर कुछ नहीं बोले, वो अपने मार्ग पर चल पड़े। जब आगे गए तो जहां उन्हें पहुंचना था वहां वो पहुंचे, यात्रा के मध्य में उनका पड़ाव था, बहुत बारिश आई, इतनी बारिश आई कि 3 दिन वो निकल नहीं सके। फिर वो वापस आ रहे थे, अपने आगे मार्ग पर चल रहे थे, तो भगवान महावीर ने कहा कि सुनो वो पौधा देखो जो तुमने फेंका था, उसने फिर से जड़ पकड़ ली है, जी में आया तो दोबारा उखाड़ के देख लो, क्योंकि उसका फलदार वृक्ष बनना तय है। तो उसने कहा गलती होगी, मैं ऐसा आपके साथ कर गया व्यवहार। तो कहने का भाव, उस पौधे के अंदर जो ये दर्शन है कि ये फलदार वृक्ष बनेगा, वो किन्हीं मायनों में बन चुका। भविष्य जो है हमारे आयाम से हमें ऐसा लगता है कि होने वाली घटना, और भाषा इसके लिए ऐसी प्रयोग की जाती है जिसके लिए हम बाधित हैं, भाषा ऐसी है कि ऐसा होगा, होगा हमें अनिश्चितता दर्शाता है। वास्तविकता क्या है कि ऐसा हो चुका, भविष्य में ऐसा घट चुका, दर्शन इसी पर टिका है। जैसे एक फिर भगवान महावीर का एक और उदाहरण बहुत आता है ज्योतिष में, बड़ा उपयोगी है किसी को समझाने के लिए। भगवान महावीर ने कहा जो हो रहा है वो हो ही गया, तो उनके बहुत से शिष्य ने भगवान महावीर का साथ छोड़ दिया इस बात के लिए। वो क्या बात थी, उनके शिष्य ने चटाई खोली, चटाई को उसने आधा रोका और महावीर के पास गया, उसने कहा आप कहते हो कि जो हो रहा है वो हो ही गया, चटाई तो मैं खोल रहा था ये तो नहीं खुली, ये तो आधी रुक गई। उसने कहा अरे तू पूर्णता से देख, थोड़ा अपनी दृष्टि को बढ़ा, तू रोक रहा था रुक ही गया, जो हो रहा है वो हो ही गया। तो कहने का भाव, जब हम ये बातें करते हैं ज्योतिष की बात हम जब करते हैं, तो ज्योतिष का जो विजन होगा वो अटल होगा। मैं आपको थोड़ा सा इस पर खुलासा करूंगा, फिर अपनी वाणी को हम विराम भी देंगे। अटल कैसे होगा इसको आप जान लीजिए। इस अस्तित्व में ना एक महादर्पण है,
इस महादर्पण में प्रत्येक नहीं झांक सकता। प्रकृति ने इसे एक ऐसे ढंग से ढक दिया है कि अगर हर कोई इसमें झांकने लगे तो क्रियाएं होनी बड़ी असंभव हो जाए। मेरे पास एक खन्ना साहब है, हमारे पड़ोस में रहते हैं, वो आए, वो थोड़ा मेरे नजदीक हैं, उनसे रोज आने से बड़ी मित्रता हो गई। तो उन्होंने बोला कि पंडित जी कल बेटी की शादी के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तो जरा आप ये बताएं कि होगा कि नहीं होगा यहाँ पर रिश्ता। मैं कहा प्रश्न बड़ा गलत है, होगा कि नहीं होगा। उसने कैसे, मैं कहा आप मुझसे ये पूछिए गुण कितने मिलते हैं, मैं गुण मिला दूंगा, मैं ये बता दूंगा करिए या ना करिए, ये नहीं कहूंगा होगा कि नहीं होगा। उसने कहा अरे पंडित जी ज्योतिष तो यही होती है, आप तो बच रहे हो उन चीजों से। मैं कहा बच नहीं रहा, अगर मैं बोलूंगा तेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। उसने कहा नहीं नहीं आप बोलो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए। मैंने कहा 100% लिख लेना यहां रिश्ता होना ही नहीं। मैं कहा बाकी दिक्कत, कल वो आने वाले हैं, उनके लिए आओ भगत के लिए मिठाई नहीं लाई जाएगी, उनके लिए जो उनको खिलाने पिलाने का सामान था तुम्हें लगेगा कुएं पे फेंकने वाला काम हो रहा, क्योंकि यहां तो होना ही नहीं। तो कहने का भाव, जो प्रकृति ने संरक्षित रखा है महादर्पण, ऐसा नहीं कि ऋषियों के लिए वो नया बनता था, वो विद्यमान है जिसमें ऋषि झांकते थे, लेकिन हर कोई उसमें ना झांक पाए क्योंकि इससे हमारे कर्म अवरुद्ध हो जाएंगे। नहीं तो यहाँ पे तो एक थोड़ा मतभेद पैदा हुआ जी, यहाँ पे सबसे बड़ा मतभेद ये पैदा है कि आप जो बता रहे हो वो सैटर्न है कि पक्का होगा ही होगा, होगा ही होगा, लेकिन अगर आप उसे बताते हो तो ये भी तो हो सकता है कि वो उसमें इतना कायर हो जाए कि फिर वो हो ही ना। इसकी भी संभावना है कि अगर आप किसी से कहते हो हाँ ये तुम्हारा काम हो ही जाएगा तो वो उसके लिए एफर्टलेस हो जाए जी जी, फिर वो ये भी कह सकता है कि हम कार्य कर ही नहीं रहे, अब ये जब होना है ये तो हो ही जाएगा, ऐसे एफर्टलेस होने से भी तो काम रुकते हैं, और अगर रुकते हैं तो भविष्य कैसा। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हो, देखिए एक बार इसके लिए भी एक 15 साल का जो अनुभव रहा, ऐसे बहुत लोग आते भी रहे, कुछ बातें करते रहे। एक ने मुझे कहा कि पंडित जी जो होना है सो होना है, आप ही कहते हो, तो फिर क्या करना है और क्या कराना है। मैंने कहा जो होना है सो होना है, ये तो तुमने जाना, लेकिन थोड़ा सा इसे विराट करो और उस होने में ये भी जोड़िए कि उस होने का एक हिस्सा है कि आज आपको मेरे पास आना है, मुझसे कुछ सुनना है और उसको अमल करना है, ये भी होने का हिस्सा है। जब ये कहा जाता है कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो आपका मेरे पास पहुंच जाना और मुझसे राय लेके उसको अमल करना, ये भी उसी का हिस्सा है। तो कहने का भाव, आपकी बात अच्छी है कि क्या इससे हमारे कर्म अवरुद्ध तो नहीं हो जाएंगे अगर हम वाकिफ हो जाएं। तो मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई ज्योतिषी, वास्तविक ज्योतिषी कोई बात करता है, अगर कोई अटल बात कहता है, तो वो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ही कहता है कि इसके कर्म अवरुद्ध ना हो जाए। ऐसे ही कहा जाता है कि हलासन में आपकी तरक्की की संभावना है, आज आप जितना अर्जन करते हैं इससे 30-40% ऊपर तक जा चुके होंगे, और आपने इन इन चीजों का, इन इन उपायों का अगर आप साथ लेके चलेंगे तो ये जो स्वाद होगा, जो फल आएंगे, इनका स्वाद और मीठा होगा। जैसे आपको मैं एक चीज बताता हूँ, कोई उपाय हम करते हैं, उपाय करने का अर्थ क्या है, जो मिलना है, जो प्रारब्ध में है वो मिलेगा, लेकिन बड़ा संतुष्टिदायक होगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि देख अर्जुन, हालांकि गीता में ज्योतिष में इस प्रकार की प्राप्ति का विरोध है, भगवान ने कहा हे अर्जुन जो देवताओं को पूजते हैं और उनसे इच्छित भोगों की प्राप्ति करते हैं, वो मेरे ही द्वारा विधान किए हुए फलों को प्राप्त करते हैं, लेकिन अर्जुन ये ध्यान रख जो वो प्राप्त करते हैं उनका वो भोग, जो इच्छित भोग उन्होंने प्राप्त किया है, वो कभी भी संतुष्टिदायक नहीं होगा और उससे उन्हें आनंद प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि कोई भी चीज ऐसा नहीं कि इजाद नहीं की जा सकती, हम देवताओं से नहीं ले सकते, ले सकते हैं। जैसे हमारे बैंक में मान लीजिए 10 लाख रुपए पड़ा है, अब बैंक मेरी हर महीने की इंस्टॉलमेंट दे रहा है, तो ठीक है, एक मैं कहूं कि मुझे पूरे ही 10 लाख दे दे मैं खा जाऊंगा, तो वो चीज ठीक नहीं है, परमात्मा ने इसलिए इंस्टॉलमेंट का हिसाब रखा हुआ है। लेकिन अगर हम अड़ जाएं बैंक वाले से कहें, तो बैंक वाला कहेगा जी दे तो दूंगा, ले ही जाइए, आप ही का पैसा है, लेकिन इसको अगर आप भोग गए, ये जो आप चूक जाओगे, फिर ये स्वाद आपका जीवन भर का खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम भी कहते हैं कि बहुत ही समस्या नहीं है, बहुत ही भयंकर विकट समस्या नहीं आई,
उस केस में तो हम आपकी हेल्प करते हैं कि आप ये उपाय कर लीजिए, अन्यथा आप उपाय मत कीजिए, आप इस पूजा पाठ को या इस ग्रह की जो आपके अंदर अल्पता है उसे आप फॉलो करिए, आपका जीवन थोड़ा रसमय और मिठास का बन जाएगा। तो लोग उसको करते हैं तो जो भोग आते चले जाते हैं उन्हें रसदार उनके अंदर बहती चली जाती है, उसका इजाफा करते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं कई पीढ़ियों से ज्योतिष हम जानते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन जितना हो सकता है उसको बड़े ही सरलता से उस बात को करने की कोशिश करें। खैर आशुतोष जी, इसके लिए धन्यवाद। कुछ थोड़ी सी बात मैं लोगों से अपने कहना चाहूंगा जी। मैंने आज तक हर उस पाखंड का विरोध किया जिस तरीके की चीजें लोग होती थी, ज्योतिष के ऊपर मैंने भी पहले अपनी बात रखी है। आज आशुतोष से मेरा बात करने का सिर्फ मकसद इतना था कि ज्योतिष के एक वास्तविक स्वरूप को लाया जा सके। वास्तविक स्वरूप जो ज्योतिष का है वो मेरे देखे भी यही है कि ज्योतिष एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी समझ की व्यवस्था है जिसमें कोई आदमी एक पत्थर के अंदर झांक के वो किस प्रकार की मूर्ति निकल सकती है उसकी बात कह सके। लेकिन इसका अंत जीवन के सिर्फ आनंद को भोगना ही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं आध्यात्मिक उन्नति की भी बात है। और जैसे कि आप सब जानते हैं मेरे बारे में, तो ये कि जब तक कोई विज्ञान आपको अध्यात्म की ओर लेके नहीं बढ़ सकता तब तक मैं उसका सहयोगी नहीं हो सकता। आज आशुतोष की तरफ से मैं कह रहा हूं कि मैं इनका सहयोगी हूं इन अर्थों में कि इनकी समझ जो है केवल ज्योतिष को धंधा बनाने की नहीं बल्कि ज्योतिष के माध्यम से आपके जीवन को सरल करके और अध्यात्म की तरफ ले जाने की है। तो मैं आशुतोष जी से सहमत हूँ, हो सकता है कहीं कहीं शब्दों के मिलान ना कुछ हुए हों लेकिन कहीं ना कहीं मैं पूरी तरीके से आशुतोष से सहमत हूँ जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।